अम्न, सुकून, शांति, इससे बड़ी नेमत है ही नहीं दुनिया में। उन लोगों से मालूम कीजिए जो फलस्तीन में रहते हैं, उन लोगों से मालूम कीजिए जो मिस्र में बसते हैं, उन लोगों से मालूम कीजिए जो लीबिया में मौजूद है, उन लोगों से मालूम कीजिए जो सीरिया जिसको शाम कहा जाता है उसमें मौजूद है, और हमारे हिंदुस्तान के जो बास खित्ते हैं, इलाके हैं, उनसे जाकर के मालूम कीजिए जिनके यहां अम नापैद हो चुका है, जो तरसते हैं, जिनके कान तरसते हैं कि वो अमन जैसी अजीम नेमत का नाम सुने, सिर्फ नाम सुनने के लिए उनके कान तरसते हैं। ये बहुत बड़ी नेमत है मेरे भाइयों। इंसान अपने घर में मामून हो, महफूज हो, किसी बात का टेंशन ही नहीं, किसी बात का गम नहीं, कोई हुज्न मलाल नहीं, अगर वो अपने घर में महफूज है, मामून है, ये सबसे बड़ी नेमत है जिसका अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में बयान किया है। अमन।